हिमाचल सिंह और आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक और आज इतिहास रच दिया है। नरेंद्र मोदी सबसे ज्यादा दिनों तक प्रधानमंत्री पद पर रहने वाले पहले गैर कांग्रेसी है। इससे पहले अटल बिहारी वाजपेयी अपने तीनों कार्यकाल को मिलाकर कुल 2268 दिन प्रधानमंत्री रहे, लेकिन आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस रिकॉर्ड को पीछे छोड़ दिया है। एक समय था जब गैर कांग्रेसवाद का अर्थ ये माना जाता था कि राजनीतिक अस्थिरता, लेकिन अब भाजपा की बात करें तो वो राजनीति की प्रमुख ध्रुव बन गई है। अमित शाह और नरेंद्र मोदी की जो जोड़ी है वो 6 साल में किस तरीके से बड़े फैसले उन्होंने लिए ये भी देखा जा रहा है। क्योंकि अगर बात करें तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ऐसे प्रधानमंत्री हैं भारत के जो बड़े और ऐसे फैसले लेने के लिए जाने जाते हैं जो कई सालों से अटके हुए थे। 500 सालों से लटका हुआ राम मंदिर का मामला हो या फिर 70 सालों से धारा 370 जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खत्म की, 70 साल के बाद CAA आया, और वहीं पर अगर बात करें तो 3 तलाक जैसे अहम मुद्दे जिसको कांग्रेस लेने से डरती थी, अपने जन आधार तुष्टिकरण की राजनीति जो कर रही थी उस पर भी कांग्रेस के मुंह पर करारा तमाचा था। और इसलिए आज जनता जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पसंद कर रही है, और भाजपा अगर कोई लोकप्रिय पार्टी बनी हो और विश्व में जो इतनी बड़ी पार्टी बनी है सिर्फ और सिर्फ इन्हीं वजह से, क्योंकि वो जनता की जो मांग थी उसको पूरा करने में सक्षम रही है, बड़े बड़े फैसले उन्होंने लिए हैं। वहीं नई शिक्षा नीति और चाहे राफेल जो रक्षा सौदे हुए हैं वो, या फिर अगर हम देखें तो जो जमीनी स्तर पे जो काम थे, चाहे वो शौचालय बनवाना हो या फिर उज्ज्वला योजना हो, आयुष्मान योजना हो, जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने कार्यकाल में काम किया है, इससे ये साफ दिखाई दे रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आने वाले दिनों में भी जनता की पहली पसंद है। अभी जो इंडिया टुडे का सर्वे आया था उसमें भी सबकी पहली पसंद जो थी वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही थे, और इसीलिए कांग्रेस इससे बौखलाई भी हुई है। लेकिन लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इतिहास रच रहे हैं। कुछ ऐसे पत्रकार जो इस पर सवाल उठाते हैं और कहते हैं कि इतिहास रचा जाएगा, ऐसी ऐतिहासिक बातें की जाएंगी, लेकिन जो सच है और जो हो रहा है उसी पर बात हो रही है। अगर कोई बौखला रहा है तो वो कांग्रेस और कांग्रेस के समर्थक लोग हैं जो कभी नहीं चाहते थे कि कांग्रेस के अलावा कोई और पार्टी आए, और जिस तरीके से 70 सालों में कांग्रेस ने लूटा है उससे भारत को मुक्त कराया जाए। लेकिन भाजपा अगर बात करें तो जिस तरीके से वो जनता की मांगों पर काम कर रही है, जो फैसले उन्होंने लिए हैं, इससे ये साफ हो गया है कि आने वाले दिनों में भाजपा ही राज करेगी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही प्रधानमंत्री रहेंगे। अगर कोई और आता है तो वो भी जनता के ही मांग पर आएगी, क्योंकि जनता जिस तरीके से अभी भाजपा को जिस तरीके से वो सपोर्ट कर रही है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सपोर्ट कर रही है, इससे ये साफ हो गया है कि ये सिर्फ और सिर्फ जनता के लिए जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यकाल में काम किए गए हैं उसी का नतीजा है। 2014 की अगर बात करें तो लोकसभा चुनाव में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में बीजेपी ने ऐतिहासिक जीत हासिल की थी। उन्होंने 26 मई 2014 को प्रधानमंत्री पद की शपथ ली थी। बाद में 2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी और भी बड़ी जीत के साथ वापस आई थी, और अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारतीय इतिहास में चौथे सबसे लंबे समय तक सेवा देने वाले प्रधानमंत्री बन चुके हैं। अगर इससे पहले अगर बात करें तो अटल बिहारी वाजपेयी 3 बार भारत के प्रधानमंत्री रहे हैं। पहली बार वो 1996 में पीएम बने लेकिन बहुमत साबित नहीं कर पाए। उसके बाद वो 1998 और 1999 में प्रधानमंत्री बने और 2004 तक सत्ता में रहे। वाजपेयी पहले ऐसे गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री थे जिन्होंने अपना कार्यकाल पूरा किया था। अगर बात करें सबसे लंबे वक्त तक प्रधानमंत्री रहने की तो ये रिकॉर्ड पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के नाम है। वो लगभग 17 साल तक प्रधानमंत्री रहे, और वहीं दूसरे नंबर पर उनकी बेटी इंदिरा गांधी रही जो लगभग 15 साल तक उन्होंने देश चलाया है। वहीं तीसरे नंबर की अगर बात करें तो वो मनमोहन सिंह हैं, और सबसे कम प्रधानमंत्री पद जिन्होंने संभाला है वो हैं गुलजारी लाल नंदा, जिन्होंने सबसे कम समय के लिए वो प्रधानमंत्री बने थे, और ये रिकॉर्ड भी उन्हीं के नाम है क्योंकि लाल बहादुर शास्त्री के निधन के बाद वो 11 जनवरी 1966 से 24 जनवरी 1966 तक यानी कि 13 दिनों के लिए कार्यवाहक प्रधानमंत्री बने थे। इससे पहले जवाहरलाल नेहरू के निधन के बाद भी वो 27 मई 2064 से 9 जून 2064 तक कार्यवाहक प्रधानमंत्री रहे थे। लेकिन वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिस तरीके से उन्होंने काम किए हैं, एक और वो इतिहास रचने जा रहे हैं। लाल किले पर तिरंगा फहराने वाले
अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गैर कांग्रेसी की बात करें तो वो पहले ऐसे होंगे जिन्होंने सबसे ज्यादा बार लाल किले पर तिरंगा फहराया है। अब की बार 15 अगस्त को ये रिकॉर्ड उनके नाम पर हो जाएगा, यानी कि एक और इतिहास 15 अगस्त को वो रचेंगे। देश की लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था के प्रतीक लाल किले पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 15 अगस्त 2020 को जब तिरंगा लहराएंगे तो राजनीतिक इतिहास का एक दिलचस्प रिकॉर्ड भी बनाएंगे। मोदी लगातार 7वीं बार तिरंगा फहराएंगे और इसी के साथ सबसे अधिक बार सौभाग्य हासिल करने वाले प्रधानमंत्रियों की सूची में 4थे नंबर पर पहुंच जाएंगे। लाल किले पर सबसे अधिक बार तिरंगा फहराने वाले प्रधानमंत्री की बात करें तो वो थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, और वहीं पर उसके बाद ये उपलब्धि इंदिरा गांधी के नाम है। अगर तीसरे नंबर की बात करें तो वो थे मनमोहन सिंह, जिस तरीके से कार्यकाल की बात कर रहे थे ठीक उसी तरीके से ये भी है। और वहीं पर आज़ादी के बाद अब तक स्वतंत्रता दिवस के मौके पर तिरंगा लहराने वाले प्रधानमंत्रियों की दिलचस्प दास्तान में पीएम बने तमाम नेताओं को कम या अधिक सौभाग्य हासिल हुआ है, लेकिन चंद्रशेखर और गुलजारी लाल नंदा दो ऐसे प्रधानमंत्री हुए जिन्हें लाल किले पर तिरंगा लहराने का मौका ही नहीं मिल पाया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 15 अगस्त को जब 7वीं बार तिरंगा लहराएंगे तो वो अटल बिहारी वाजपेयी के प्रधानमंत्री के रूप में 6 बार लाल किले पर तिरंगा फहराने के रिकॉर्ड को पीछे छोड़ देंगे। और वहीं पर अगर बात करें तो मई 2014 में सत्ता संभालने वाले नरेंद्र मोदी जब 2024 में अपना दूसरा कार्यकाल पूरा करने तक 10 बार लाल किले पर तिरंगा लहराने का सौभाग्य हासिल कर मनमोहन सिंह के साथ संयुक्त रूप से तीसरी नंबर पर आ जाएंगे। 15 अगस्त 1947 को लाल किले पर तिरंगा लहराते हुए भारत की आज़ादी का जयघोष करने वाले पंडित नेहरू ने 17 बार लगातार लाल किले पर तिरंगा फहराया है। पंडित नेहरू के निधन के बाद गुलजारी लाल नंदा केवल 14 दिन तक प्रधानमंत्री रहे और उन्हें इसका मौका नहीं मिला था। लेकिन जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इतिहास रच रहे हैं, जो रिकॉर्ड बना रहे हैं, आने वाले दिनों में ये भाजपा के ही लिए है और भाजपा के लिए यह काफ़ी गौरव की बात है, क्योंकि कभी वो ऐसी पार्टी बनकर रह गई थी जिसके 2 या 3 सांसद हुआ करते थे सदन में, लेकिन आज अगर बात करें किस तरीके से भारी बहुमत उसके पास है और उसके सदन में भी उसके पास बहुमत है। तो इस तरीके के जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इतिहास जो रच रहे हैं, इससे ये साफ हो गया है कि अब आने वाले दिनों में जो जनता की पसंद है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं। और जो अमित शाह और प्रधानमंत्री की जो जोड़ी, जिस तरीके से उसने जादू दिखाया है राजनीति में, भारतीय राजनीति में, और इसी पर भाजपा के नेता और प्रवक्ता इस बात की खुशी जाहिर कर रहे हैं। लेकिन वहीं पर अगर बात करें तो राजदीप सरदेसाई ने एक बार फिर झूठ फैलाया है और झूठी खबर देने के लिए उन्होंने कोर्ट में माफ़ी भी मांगी थी, जो उन्होंने बताया था कि सोहराबुद्दीन केस में कि किस तरीके से एनकाउंटर फर्जी था, और उसके बाद उनको माफ़ी मांगनी पड़ी और उन्होंने ये कबूल किया कि उन्होंने झूठी खबर चलाई थी, उसकी कोई सत्यता नहीं थी। एक बार उन्होंने फिर प्रणब मुखर्जी जो पूर्व राष्ट्रपति हैं भारत के, किस तरीके से उनको लेकर उन्होंने अपमानजनक ट्वीट किए। राजदीप सरदेसाई ने पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी को लेकर एक ट्वीट किया, उन्होंने कहा कि अब उनका निधन हो चुका है, लेकिन उसके बाद जो उनके परिवार की प्रतिक्रिया है उससे ये दिखाई दे रहा है कि राजदीप सरदेसाई जैसे लोग जो ये कहते हैं कि वो निष्पक्ष पत्रकारिता करते हैं और वो मोदी जो सपोर्टर हैं उन पर किस तरीके से वो हमला करते हैं और कहते हैं कि ये अंधभक्त हैं, ये झूठी खबर फैला रहे हैं, आईटी सेल को बार बार कोसने वाले, किस तरीके से प्रोपेगेंडे के तहत वो काम करते हैं, और सबको पता है कि किस तरीके से वो झूठी खबरें फैलाते हैं। कई बार उनको माफ़ी मांगना पड़ा है, कितनी बार उन्होंने झूठ परोसा है, लेकिन उसके बाद भी माफ़ी नहीं मांगी है। और अब जो उन्होंने प्रणब मुखर्जी के बारे में जो दिखाया है, इससे ये साफ हो गया है कि किस तरीके की पत्रकारिता राजदीप सरदेसाई करते हैं। जो वो अपने सर्वे में किस तरीके से, जब दिल्ली में सरकार बनी थी आम आदमी पार्टी की और उनका जो सर्वे था वो पहले से ही आम आदमी पार्टी को जीतते हुए दिखा रहा था, और उसके बाद वो स्टूडियो में डांस कर रहे थे, इससे ये दिखाता है कि वो कितने निष्पक्ष पत्रकार हैं और वो कहीं ना कहीं ऐसी पार्टियों को बैक सपोर्ट कर रहे हैं और उनके सपोर्ट के लिए किस तरीके की पत्रकारिता करते हैं। सेलेक्टिव पत्रकारिता करने के लिए राजदीप सरदेसाई जाने जाते हैं। और वहीं पर कुछ ऐसे लोग हैं जो जर्नलिज्म को बचाने का दावा करते हैं, लेकिन अगर जिस तरीके से हमने देखा 4था स्तंभ है लोकतंत्र का, उसको किस तरीके से इन लोगों की वजह से बदनाम होना पड़ता है। हर बार ये झूठ परोसते हैं और उसके बाद जब इनका झूठ पकड़ा जाता है, जब ये उनको लगता है कि अब ये फंस रहे तो माफ़ी मांग लेते हैं, और जब इनको लगता है कि ये नहीं फंस रहे हैं
तो उस पर मौन हो जाते हैं और मामला हट जाता है। लेकिन अब जनता जागरूक है और हर बात पर जो ये झूठ फैलाते हैं उस हर झूठ पर इनको जनता से माफ़ी मांगनी पड़ेगी और इनको आने वाले भविष्य में भी ये ख्याल रखना होगा कि इस तरीके का झूठ ना फैलाएं, क्योंकि जो पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी हैं उनको लेकर जो उन्होंने ये जो झूठी खबर इन्होंने चढ़ाई थी उनके परिवार को भी इससे काफ़ी आहत हुआ है और वहीं पर जनता भी इससे काफ़ी आहत हुई है, क्योंकि इस तरीके का झूठ जो परोसा जा रहा है वो भी सिर्फ और सिर्फ जर्नलिज्म के नाम पर, ये चौथे स्तंभ जो लोकतंत्र का चौथा स्तंभ करते हैं उसके नाम पर एक बड़ा और काला धब्बा है। जो अपनी टीवी स्क्रीन को काला कर देते थे वही लोग हैं जो अब जर्नलिज्म को काला कर रहे हैं। इस मुद्दे पर आप भी अपनी राय रख सकते हैं, कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें ताकि हर अपडेट आप तक पहुँचती रहे।